नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अली खान है और आप देख रहे हैं मल्टी केयर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जो कि है, आपने देखा होगा अगर आपके सिस्टम में क्विकहील एंटीवायरस इंस्टॉल है तो आपने ये देखा होगा कि इस नाम का फोल्डर, सॉरी, ये CRF बैकअप और रैंडम लेटर लिखे होते हैं, तो ये फोल्डर जो है कॉमनली बन जाता है, चाहे एफ ड्राइव में बनता है या डी ड्राइव में या कभी कभी सी ड्राइव में भी बन जाता है। तो ये क्या होता है, क्यों बनता है, हम इसे कैसे डिलीट कर सकते हैं, तो इस वीडियो में उसी पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये फोल्डर है क्या। तो ये CRF बैकअप और रैंडम लेटर कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है, ठीक है। इसमें बेसिकली हमारा जितने भी फाइल तो नहीं, जो भी सिस्टम का जो सेटिंग्स वगैरह और जो भी अपडेट्स वगैरह होते हैं उसका बैकअप यहाँ पे ये रखता है, ठीक है। तो इसकी तो ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं होती, ये क्विकहील वाले ही से यूज़ करते हैं। अगर कभी हमारा डेटा लॉस हो जाता है या कुछ होता है और हम एंटीवायरस वाले कंपनी को कॉल करते हैं कि हमारा ये डेटा था ये ख़त्म हो गया या जो भी हुआ, तो उसे इस फोल्डर को यूज़ करके ये लोग और आपके डेटा को रिकवर करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमारे लिए ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी जो 3 GB, 4 GB और कभी कभी 10 GB का भी बन जाता है। तो डेटा का बैकअप तो हम रेगुलरली लेते ही हैं एक्सटर्नल ड्राइव में या कहीं भी, और ऐसे भी हमारा डेटा लॉस तो होता नहीं है, लेकिन ये अननेसेसरी हमारा, मतलब कि ज़बरदस्ती का बैकअप ये हमारे सिस्टम में होता है, तो इसे हमें नहीं रखना है। और तो अगर हम इसे डिलीट करना चाहें तो प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम इसे डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट भी नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए, यू नीड टू परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन। तो इसे कैसे डिलीट करना है ये देखेंगे आज। तो सबसे पहले आपको क्विकहील खोलना है, तो मैंने एंड पॉइंट सिक्योरिटी यूज़ कर रखा है। तो यहाँ पे सेटिंग में जाना है आपको, और अगर कोई पासवर्ड डाला हुआ है तो उसे पासवर्ड को डाल के आपको उसके सेटिंग में जाना होगा। मेरे केस में पासवर्ड है, तो पासवर्ड डाल के मैंने ऑन किया, तो ये पोर्शन जो है ये सेटिंग आपको ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे मैं ऑफ कर देता हूँ, सेल्फ प्रोटेक्शन ऑप्शन को ऑफ कर दिया मैंने। और अब जो है आपको आना पड़ेगा सी ड्राइव में, और क्विकहील के इंस्टॉलेशन फोल्डर में जाना होगा आपको। तो प्रोग्राम फाइल और सिक्राइट, और यहाँ पे सिक्राइट एंड पॉइंट सिक्योरिटी है, यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा CFR config ये, ठीक है। इस फाइल नेम को आप याद रख लें, ठीक है। तो इसे आपको नोटपैड में खोलना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इज बैकअप ऑन, यहाँ पे 1 है, तो आपको यहाँ पे सिंपली 0 करना है, ठीक है। अगर 1 होगा तो बैकअप ऑन रहेगा और बैकअप लेता रहेगा, फोल्डर बनाता रहेगा ये, और अगर आपने 0 कर दिया तो ये जो है बैकअप का फोल्डर नहीं बनाएगा, ठीक है। तो सिंपली हम इसे सेव करते हैं, और ये सेव हो गया, और हम इसे बंद करते हैं। हम अगर मैं इसे यहाँ से ऑफ नहीं करता इसे, तो हम यहाँ पे इसे एडिट नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसलिए पहले इसे ऑफ करना ज़रूरी है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि एफ ड्राइव में ये है। अब मैं इसे आसानी से डिलीट कर सकता हूँ, शायद करके देखते हैं। आप देख सकते हैं ये डिलीट होना शुरू हो गया, ठीक है। ये कह रहा है डू यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, मैं कहता हूँ यस। अब ये डिलीट हो रहा है, उस समय ये डिलीट नहीं हो रहा था, अभी ये आसानी से डिलीट हो रहा है, ठीक है। ये कंप्लीट डिलीट हो गया। अब दोबारा से आपको यहाँ पे जाके इस सेल्फ प्रोटेक्शन को ऑन कर देना है, ठीक है। और वो जो नोटपैड में हमने जो चेंज किया था उसे आपको रहने देना है। अगर आपको दोबारा से बैकअप चाहिए तो आप उसे वो 0 से 1 कर दें, और अगर नहीं चाहिए तो उसे 0 कर दें। तो उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा गाइस। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।